बट अभी आपको ये सिर्फ इसलिए पर दिखाया गया कि हर एक स्वर की मात्रा होती है, ठीक है, जो कि व्यंजन के साथ लगती है। आज हम ये आ की जो मात्रा है, ये जो आ की मात्रा है, ये आज हम इन व्यंजन के साथ लगाएंगे। आपको अपनी नोटबुक में आज गौ से स्वर लिखना है पूरा, उसके साथ आ की मात्रा लगानी है और उसकी रीडिंग करनी है और फिर वीडियो बनवानी है, ठीक है। स्टार्ट करें, लेट स्टार्ट नाउ। देखो ये क्या है, कै नहीं बोलना इसको, कै खे गे ऐसे नहीं, क ख ग घ। तो क के साथ जब, अच्छा एक लाइन में मैंने ऐसे लिखा है, बाकी सारे ऐसे लिखे हैं, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मात्रा लगा के एक बार दिखाऊंगी अच्छे से, ताकि आप अपनी नोटबुक में मात्रा लगाते वक्त मिस्टेक ना करो, ठीक है। क के साथ आ की मात्रा लगेगी ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, और ये जो शिरोरेखा क पर है ये यहाँ पर आ की मात्रा तक आ जाएगी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, क आ का, क आ का। ख के साथ अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे ऐसे, और ये शिरोरेखा ख के साथ आ की मात्रा पर भी आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, खा ख आ खा। ये क्या है, ग, ग के साथ आ की मात्रा लगाते हैं और ये शिरोरेखा आ की मात्रा तक आ गई, तो ये आ की मात्रा इसके साथ जुड़ गई, क्या बन गई, गा ग आ गा। ये क्या है, घ, घ के साथ आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, घ आ घा। ये अंगा होता है, इसके साथ मात्रा नहीं लगती आ की। उसके बाद च, च के साथ आ की मात्रा लगाई तो चा, छ के साथ लगाई आ की मात्रा छा, ज के साथ लगाई आ की मात्रा जा, झ के साथ लगाई तो झा, और ये अंगा इसके साथ भी नहीं लगती, ओके, ठीक है। टैन, टै के साथ जब आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, टा, कैसे साउंड है इसकी, आ की, टा। ठ के साथ लगाई आ की मात्रा ठा, ड के साथ आ की मात्रा लगी डा, ढ ढक्कन के साथ लगी तो ढा, और ये णय के साथ आ की मात्रा लगेगी, ओके, ये बन जाएगा ना, ठीक है। त के साथ आ की मात्रा लगाई ता, थ के साथ आ की मात्रा लगने पर था, द के साथ आ की मात्रा लगाई दा, ध के साथ आ की मात्रा लगाई धा, न के साथ आ की मात्रा लगाई ना, ठीक है। उसके बाद देखो, प के साथ आ की मात्रा लगाई पा, फ के साथ आ की मात्रा लगाई फा, ब के साथ आ की मात्रा लगाई बा, भ के साथ आ की मात्रा लगाई भा, म के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो मा। अब फिर से देखो आगे क्या है, यो, यो के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो या, र के साथ आ की मात्रा लगाते ही रा, ल के साथ आ की मात्रा लगाई ला, व के साथ आ की मात्रा वा, श के साथ आ की मात्रा शा, ठीक है। ये क्या है, श शट को, तो इसके साथ भी आ की मात्रा लगाएंगे तो श, स के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो सा, ह के साथ आ की मात्रा लगाई हा, श क्षत्रिय के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो श, त्र के साथ आ की मात्रा लगाई तो त्रा, यज्ञानी के साथ आ की मात्रा लगाएंगे य, श श्रमिक के साथ आ की मात्रा लगाएंगे श्र, ठीक है। मुश्किल वक्त नहीं है, आपको एक बार ये समझाया गया है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेंथी लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ क से श का एक व्यंजन लिखने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है, और उसके सबके सब आ की मात्रा लगानी है, और क्या करना है, वीडियो बनवानी है बोलते हुए, कैसे, रेडी करते हुए कि आपको आ की मात्रा व्यंजन के साथ लगा के पढ़नी आई या नहीं आई। आपको कैसे पढ़नी है, कै आ का ऐसे नहीं, क आ का, ख आ खा, ग आ गा, घ आ घा, च आ जा, छ आ छा, ज आ जा, झ आ छा, त आ ता, ठ आ था, ड आ डा, ढ आ धा, ण आ ना, त आ ता, ठ आ था, द आ दा, ध आ धा, न आ ना, प आ पा, फ आ पा, ब आ बा, भ आ भा, म आ मा, य आ
या र आ रा, ल आ ला, व आ वा, श आ शा, श आ शा, स आ सा, ह आ हा, श क्षत्रिय वाला ही है, ठीक है। इसके साउंड इनकी सेम सेम साउंड लगती है, श श स, है ना। तो श आ शा, त्र आ त्रा, य आ या, श आ शा, ठीक है। आपको ऐसे रीडिंग करनी है, सुंदर सुंदर तौर से स्वर लिखना है, सबके साथ आपकी मात्रा लगानी है, बोलना है और एक बार इस चीज को सिर्फ समझना है कि हर व्यंजन सॉरी हर स्वर की मात्रा है और किसकी मात्रा कैसे लग रही है। ओ की देखो दोनों में, ओ वाली मात्रा नीचे वाली लाइन में लगती है, ठीक है, और ए वाली मात्रा ऊपर वाली साइड लगती है, रे की मात्रा भी नीचे लग रही है, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे पहचान हो जाएगी, बट अभी आपको सिर्फ आ की मात्रा पर फोकस करना, आ की मात्रा सब व्यंजन के साथ लगाना, रीडिंग करना, सुंदर से वर्क करना, मैम को सेंड करना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।